where I go. I don't need nobody else. Good morning to all friends. होप सो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहे होंगे और लाइफ को बड़े अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं। तो मैं ये आपको एक सजेस्ट करूंगा, जब आप किसी कंट्री को विज़िट करें तो आप ज़रूरी उसके जो म्यूज़ियम है उस कंट्री का, उसका जो ना वो म्यूज़ियम आप ज़रूर जाएं, बिकॉज उस कंट्री का जो हालात हैं, उस कंट्री की माहौलियात और उस कंट्री की जो हिस्ट्री है, उसकी जो जनरेशन रिकॉर्ड है, वो आपको वहाँ के म्यूज़ियम से पता चलेगा। तो इसी चीज़ के मद्देनज़र आज हम आए हैं, ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो ये म्यूज़ियम इस्लामाबाद में शकरपड़िया हिल्स पे लोकेटेड है। तो ये म्यूज़ियम 1976 में इस्टेबल किया गया। तो यहाँ पे मुख्तलिफ गैलरीज बनाई गई हैं, जिनमें आपको जियोलॉजी, एकोलॉजी, माहौलियात और पाकिस्तान का कल्चर, और पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें पैदा होती हैं, और पाकिस्तान में जानवर कौन कौन से पाए जाते थे। इनफैक्ट वहाँ मैंने एक देखा है बलूचिस्तान में, जो एक दुनिया का सबसे बड़ा जानवर वो बलूचिस्तान में पाया जाता था, हमने तो यहाँ आके ही देखा। इनफैक्ट ये 3 फ्लोर पे मुश्तमल है। तो टूरिस्ट की गाइडेंस के लिए यहाँ पे एक स्टार्ट में वो उन्होंने मैप भी लगाया है, तो आप जब आएँ तो वो मैप को देख लें, उस हिसाब से आप फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर हैं इसके, तो उस हिसाब से वहाँ पर जाएँ। सो चलें, लेट्स एक्सप्लोर द म्यूज़ियम। तो ये जो फोसल आप देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल है, असली फोसल अंदर पड़ा हुआ है। तो ये है इसकी एंट्रेंस और टिकट है 30 रुपये। तो ये है रूट मैप टूरिस्ट की गाइडेंस के लिए। सबसे नीचे आपको एलिफेंट के फोसल मिलेंगे, उससे ऊपर वेल के, उसके ऊपर डायनासोर्स के, और उसके ऊपर शार्क के। तो यह है हम फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे आपको ये फोसल देखने को मिलेगा। ये भी इसके बारे में कहा जाता है कि ये बलूचिस्तान से मिला। और पाकिस्तान में जितनी भी दातें और मिनरल्स पाए जाते हैं उनके सैंपल आपको यहाँ मिलेंगे। यह है कॉपर और यह है सलाजीत और यह है पखराज और यह बर्क, और इसी तरह ये दूसरी दातें यहाँ पड़ी हुई हैं। और ये कुछ वुड्स के फोसल हैं जो कि बहुत पुराने हैं, पुराने वक्तों के। लेकिन टूरिस्ट यहाँ इन चीज़ों में कम और सेल्फीज लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। लेट्स गो। और फर्स्ट फ्लोर की कॉरिडोर में इन सब जानवरों और जंगली जानवरों के आपको फॉसिल्स नजर आएंगे। और यहाँ पे ही आपको मिलेंगे ज़मीनी परिंदों के फोसल और छोटे छोटे जंगली जानवरों के। और सहरा और उसके परिंदों का कुछ नक्शा ऐसे देखने को मिलेगा। और अब हम आए हैं बेसमेंट की पेलियो गैलरी में। यहाँ पे मिलेगा आपको एक जिराफ का फोसल,
और दूसरा ये एलिफेंट का फॉसिल। ये दोनों फॉसिल लाहौर के एक चिड़ियाघर से लाए गए थे। फिर मैंने कैमरा साइड पे रखा और एक अंदर छोटी सी गेड़ी लगाई, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम सही से देखने को नहीं मिलता ना। और इसी गैलरी में आपको मिलेंगे इंसानी इर्तका के ये सारे फॉसिल, जिसमें होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस और जितनी भी इंसानी इर्तका के मराहल तय हुए हैं, जिसमें वो पहले मंकी दिखाया जाता है और फिर क्या बना और फिर क्या बना, उस सारी जनरेशन के फॉसिल्स ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। और उसी जनरेशन में पाए जाने वाले जानवरों के मुख्तलिफ फॉसिल्स के मुख्तलिफ पार्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये कंप्लीट ढांचे और कंप्लीट फॉसिल्स इसलिए नहीं है कि ये बहुत पुराने हैं, तो जो जो पार्ट्स, जो जो पीस कहीं से मिला, वो सिर्फ वही पीस यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसी फ्लोर पे चलते हैं कॉरिडोर्स की तरफ, जहाँ पे आपको मिलेंगी ये खुम्बियाँ जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं, और ये मोटे ताज़े पले हुए मकड़े, और बटरफ्लाइज की जितनी किस्में यहाँ पाई जाती हैं उन सब की कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगी। और मिलेंगे ये कीड़े मकोड़े, मतलब कि हशरात की जितनी अकसाम इस एरिया में पाई जाती हैं उन सब की कलेक्शन भी यहाँ पे है। और इस खित्ते में पाई जाने वाली लकड़ी की भी सारी अकसाम आपको मिलेंगी, जिसमें दयार है और ये काहू की लकड़ी और शीशम, और ये सारी लकड़ी यहाँ पे उसके सैंपल्स रखेंगे। तो चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग डायनासोर्स की गैलरी में। तो एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे बिल्कुल वैसा एनवायरनमेंट बनाया गया जिसमें हजारों साल पहले डायनासोर्स रहते थे। और राइट साइड पे आपको मिलेगा ये दुनिया का बहुत बड़ा नक्शा। तो ये डायनासोर्स की गैलरी है और ये बोलते भी हैं। और उसके साथ साथ ये भाई साहब तो हाथ पांव भी चला रहे हैं, देखें। और ये तो काटने की कोशिश कर रहे हैं, वो और ये है हिप्पो का फॉसिल जिसको आप टच कर सकते हैं।
और इसी गैलरी में दूसरे जंगली जानवरों के फॉसिल्स भी रखे गए हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल हालत में रखे गए हैं। लेकिन ये सारे स्टैचूज फॉसिल्स ये शीशे के अंदर हैं, इनको आप टच नहीं कर सकते। ये जो फॉसिल्स यहाँ पे पड़े हैं ये कुछ ओरिजिनल है, इस वजह से ना यहाँ पे थोड़ी स्मेल है, तो जब आप आए तो ये आप थोड़ा फेस करेंगे यहाँ पे स्मेल। और इस खित्ते में पाए जाने वाले जितने भी परिंदे हैं, जो भी शिकार के परिंदे हैं, उन सब की कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चलते हैं वेल शार्क की गैलरी में, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये वेल शार्क अरेबियन सी से मिली और 2012 में कराची से उसको इस म्यूजियम में ला के रख दिया गया। बहुत बड़ी व्हील है। ये इस म्यूजियम की सबसे टॉप अट्रैक्शन में से एक है। और इस खित्ते में पाई जाने वाली दूसरी फिशेज के भी सैंपल आपको यहां पे मिलेंगे। तो चलते हैं दूसरी गैलरीज की तरफ, जहां पे एंटर होते ही ये भाई साहब आपका स्वागत करेंगे। और ये एक दूसरी किस्म की फिश है जो इस एरिया में पाई जाती थी, और ये कुछ कछुए जो इस एरिया में पाए जाते थे, और ये हैं कुछ दूसरे जंगली जानवरों के फॉसिल्स, ये काटते नहीं हैं। और ये जो आपको बालों की कंघी की तरह नजर आ रही हैं, ये हकीकत में फिश की एक किस्म है। और यहाँ पे कुछ परिंदों की अकसाम मिलेंगी जिनके नाम नीचे लिखे हुए हैं, और बाकी ये कछुओं की अकसाम और एलिगेटर्स की। और अगर आप कभी गार में नहीं रहे तो यहाँ ट्राई करें, बंदा खड़ा हुआ। इंतजामिया ने यहाँ खाली कॉर्नर्स को भी बड़े अच्छे से मेंटेन किया। और ये मुख्तलिफ अकसाम की जड़ी बूटियाँ जो इस खित्ते में पाई जाती हैं। तो अब चलते हैं म्यूजियम को थोड़ा बाहर से देखते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ म्यूजियम, इट्स अ रिसर्च सेंटर टू। ये सारे डिपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं ये सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अगर म्यूजियम को बाहर से देखा जाए तो डेकोरेशन से लेके बिल्डिंग तक सब बहुत अच्छा मेंटेन। और इसकी राइट साइड पे आपको ये एक बड़ा ब्यूटीफुल कॉर्नर मिलेगा जहाँ पे ये एक सेल्फी पॉइंट भी है, और यहाँ पे ये बड़ी खूबसूरत सी रॉक ला के रखी गई है। तो चलें जी, अब चलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जानवर देखने के लिए।
ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है बलोची थीरीन। ये है दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर, जो कि आज से हजारों साल पहले पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में पाया जाता था और कहा जाता था कि सबसे बड़ा जानवर है। ये इस म्यूज़ियम में बनाया जाने वाला सबसे बड़ा स्टैचू है। वीडियो में तो शायद आपको इतना नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन जब आप रियल में आपको देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जी जनाब, तो ये है इस्लामाबाद का हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। और चूंकि मैंने ये चैनल अभी नया शुरू किया है और अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो तो उम्मीद है आप इसको इग्नोर करेंगे। अभी तक आप सब दोस्तों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आपने मेरे काम को बहुत लाइक किया, मेरी वीडियोज़ को लाइक किया। ये इस्लामाबाद सीरीज़ के बाद फिर हम नॉर्दर्न एरियाज़ पर निकलेंगे। ये जो दो चार सीरीज़ रह गई हैं, जो दो चार लोकेशंस रह गई हैं, इनको कवर करने के बाद फिर हम निकलेंगे नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ। और मुझे आपकी कीमती राय का भी इंतज़ार रहेगा। अगर कुछ आप नई लोकेशन विज़िट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपके लिख के बताएं, और जो मिस्टेक्स हैं वो भी बताएं, ताकि मैं अपने काम में मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। और एक दफ़ा फिर मैं आप सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पुश कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में, एक नई लोकेशन में, एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, और सब दोस्तों को गुड बाय। I can take you anywhere, somewhere. We won't be scared.